हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम 20 बी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने पिछले क्लासेस में छोड़ा था, जहां क्वेश्चन उसके आगे स्टार्ट करेंगे। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और 20 ए एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, यहाँ पर 10th क्वेश्चन। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। यहाँ पर हमें सिलेंडर की रेडियस और हाइट दी हुई है, रेडियस एंड हाइट रेशियो में दी है 7:2 में। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 8316 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सिलेंडर का दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो यहाँ पर चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करना है इसे। सबसे पहले जो रेशियो में है तो इसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। हमें पता है वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है हमारा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिकॉज हमें क्या दिया है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 7:2 का, मीन्स रेडियस डिवाइड बाय हाइट करेंगे तो 7/2 होगा। और अगर यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहें तो 7/2 डिवाइड में है हाइट, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मीन्स 7h/2 हो जाएगा यहाँ पर हमारा रेडियस। चाहे तो हम हाइट की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हाइट हो जाएगा हमारा 2 रेडियस/7। तो यहाँ पे हमने रेडियस निकाला है, आप चाहें तो हाइट भी निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। अब जो भी वैल्यू दी है, वॉल्यूम है हमारा 8316 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हम सभी को पता है 22/7, वेरी गुड। यहाँ पे रेडियस है 7h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। अब सॉल्व करते हैं, 8316 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7h/2 इंटू 7h/2 इंटू एच। अब यहाँ डिवाइड कर लेने, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इधर 1, 2, 3, यहाँ 3h है तो इधर हो जाएगा h³। और जो भी वैल्यूज बची है आप इधर इक्वल के भेज दीजिए, 2 है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे 11 और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आ जाएगा, ये हम सभी को पता है। सॉल्व करते हैं आगे, ये 11 के टेबल में आएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 7 = 77 बच जाएगा 6, 166, 11 × 5 = 55 बच गया 6, 11 × 6 = 66। आई थिंक ये 7 के टेबल में आ जाएगा, देखते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 अगेन 0, 7 × 8 = 56 मीन्स यहाँ पे एच क्यूब जो है हमारा वो आ चुका है 108 × 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, एच क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ आगे एच क्यूब की वैल्यू ये हो जाएगा 216, मीन्स एच इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 216 का क्यूब रूट। अब हमें क्यूब रूट मीन्स अगर स्क्वायर रूट होता तो 2-2 के पेयर में बाहर हम उसे निकालते हैं, लेकिन अगर क्यूब रूट है तो इसे हम 3-3 के पेयर में बाहर निकालेंगे। चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। जो 216 है ये 6 का क्यूब है, हम सभी को पता है। नहीं पता है तो आप जरूर 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स और 1 से 20 तक के क्यूब्स को याद कर लीजिएगा, या फिर कहीं एक पेज पर लिखकर अपने नोटबुक में रख लीजिएगा ताकि इजिली आप सॉल्यूशंस को कर सकें। और याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको एग्जाम में सॉल्यूशंस को करते टाइम टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और आप इजिली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ 3 है तो 3 के पेयर में जो भी नंबर है वो बाहर आ जाएगा, मीन्स एच की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें हाइट नहीं निकालना था, यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होती है, शॉर्ट में लिख देंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। अगर कोई सिलेंडर है, सपोज दैट यहाँ पे मैं बॉक्स लेती हूँ, तो उसका राउंड सरफेस, देन टॉप एंड देन बॉटम, ये सारा जो तीनों फेस है इसको हम काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाल लिया है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं रेडियस की, हाइट आ चुकी है तो रेडियस इज इक्वल टू 7 इंटू हाइट कितनी है 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 3 मीन्स यहाँ पे रेडियस जो है हमारा 7 3 21 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 21 ब्रैकेट में h प्लस r, h की वैल्यू 6 प्लस 21 r की वैल्यू 7 1 7 7 3 21। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, 2 × 22 हो जाएगा 44, इंटू 3 × 6 प्लस 21 कितना होता है 27, तो इसे हम लिख लेंगे 27। आगे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 1 13 इंटू यहाँ 1 इरेज कर देते हैं, इंटू 27 तो ये हो जाएगा 27। अब 132 का 27 से मल्टीप्लाई करना है तो 132 मल्टीप्लाई 27 यहाँ कर लेते हैं इसे, नीचे स्पेस नहीं है, 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21, 122, 2 कैरी, 7 1 7 प्लस 2 9, क्रॉस, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, ऐड करेंगे यहाँ 4 6 15, यहाँ 3 3 5 6 4, मीन्स जो इसका आंसर आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया वो हमारा आ रहा है 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है जो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था सिलेंडर के लिए, वो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। इसे करने से पहले प्लीज आप जाकर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार हमें दिखाइएगा। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस भी दे रखा है बेस का, ये हमारा है 110 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा CSA, अगर हम इसे लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं CSA, 2πRh, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी है बेस की CIR, सर्कमफेरेंस ये हमें दे रखा है 110 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है हमारा 2πR इज इक्वल्स टू 110। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है πR²h, ये हमारा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, और यहाँ पे हमें रेडियस और हाइट दोनों निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं आगे सॉल्व करके। रेडियस इज इक्वल्स टू 110 और यहाँ पे 2π जो है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, आगे 110 डिवाइड में 2, पाई की वैल्यू 22/7, ऊपर चला जाएगा 7, यहाँ पे 2 1 जा और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू आ चुकी है हमारी 5 7 जा 35, और नीचे हमारा सिर्फ 2 बचा है तो यहाँ पे 2, रेडियस 35/2 आ चुका है। अब हमें यहाँ से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है हमारा यहाँ से 2πRh, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4400। इसे हम क्या करेंगे, 2πR जो सर्कमफेरेंस है इसकी वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 110 सेंटीमीटर, तो यहाँ से वैल्यूज को पुट कर देंगे, 4400 नीचे आ जाएगा 2πR और आगे हम लिखेंगे 4400, इसकी वैल्यू 110। सॉल्व करेंगे 11 1 जा 11 4 जा एंड 0, मीन्स यहाँ से हमारी हाइट भी आ चुकी है जो हमें चाहिए थी 40 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी सेंटीमीटर में है। अब हमें वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है रेडियस और हाइट, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²h,
वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे इसे, और हाइट जो है हमारी अभी हमने निकाली थी 40 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, 2 1 2 2 1 2 1 7 1 7 5 7 1 7 5 7 1 7 5 यहाँ पे 2 है, ये 7 से होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे ये 35/2 है नीचे, 2 1 2 2 2 0 होगा, नीचे की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो चुकी हैं, मीन्स हमारे पास यहाँ पे 11 × 5 × 35 × 20 बचा है, तो ये हो जाएगा 55 × अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये 0, ये हो जाएगा 10, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 700 मल्टीप्लाई करते हैं, 00, 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 प्लस 3 38, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमें वॉल्यूम में चाहिए था, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 38,500 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चलिए हम इसे देखते हैं। अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेलकम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, एक टेलकम पाउडर का ब्रांड है लेकिन 2 पैकेट्स में है, पहला है अ प्लास्टिक कैन विथ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक प्लास्टिक का कैन है लेकिन जो इसके बेस है मींस जो नीचे वाला सरफेस है वो स्क्वायर शेप का है, ये है हमारी हाइट और ये जो है स्क्वायर शेप का है यहाँ पर, तो ये क्यूबॉइड है लेकिन थोड़ा सा हाइट इसकी ऊपर है, लेकिन जो नीचे वाला जो बेस है वो स्क्वायर है, मींस जो इसका लेंथ होगा वो भी हमारा सेम होगा ब्रेथ के, लेंथ ब्रेथ सेम है, हाइट डिफरेंस है, तो जो साइड दिया है वो हमारा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे हाइट दे रखी है यहाँ पे है स्क्वायर बेस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, तो हाइट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो पैकेट है वन विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस, वो सर्कुलर बेस है इसका और 3.5 सेंटीमीटर है उसका रेडियस एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर, विच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दूसरा वाला पार्ट लिख लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया विच इज स्क्वायर बेस, और यहाँ पे एक सिलेंडर है, नीचे जो सरफेस है वो सर्कुलर है और इसकी हाइट हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, बेस का जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, फॉरवर्ड करना है, जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर बेस है और दूसरा जो पैकेट है उसका जो बेस है वो सर्कुलर है, तो अब हमें इन दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का निकाल लेते हैं विच इज स्क्वायर बेस, तो इसका जो वॉल्यूम होगा मींस कैपेसिटी जो इसके अंदर कितना टेलकम पाउडर आएगा वो निकालना है, तो हमें पता है तीनों जो यूनिट होते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हम क्या करेंगे लेंथ ब्रेथ सेम है मीन्स साइड इंटू साइड इंटू हाइट यानी 14, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 × 14, 14 × 5 = 70, 7 carry, 14 × 2 = 28 प्लस यहाँ पे 7, 28 प्लस 7 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम आ चुका है फर्स्ट पार्ट विच हैज स्क्वायर बेस, अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट का विच हैज सर्कुलर बेस, सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ द फिगर पैकेट विच हैज सर्कुलर बेस, इसका वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 3.5 दिया है, इसका स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे हम, और हमारी जो हाइट है वो है 12, पुट कर दिया 7 × 7 = 35, अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 22 से 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 = 11, एक नंबर के बाद डेसिमल इंटू, और यहाँ 12 से इसको इंटू कर दीजिए तो 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 3 =
36 प्लस 6 हो जाएगा 42। यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल प्लेस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा 11 इंटू 42 बचा है हमारा। 11 टू जा 22 टू कैरी, 11 फोर जा 44 प्लस 2 46 सेंटीमीटर क्यूब, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब जिसका सर्कुलर बेस है वो आया है, और यहाँ पर हमारा 350 सेंटीमीटर क्यूब जिसका स्क्वायर बेस है उसकी कैपेसिटी आई है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो सर्कुलर बेस है जिसका उसकी कैपेसिटी ज्यादा है स्क्वायर बेस वाले पैकेट से। अब कितनी ज्यादा है हमें ये बताना है, तो डिफरेंस इन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, किसकी ज्यादा है, 462 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 352 को, सॉरी 462 से 350 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 से 0 जाएगा हो जाएगा 2, 6 से 5 जाएगा हो जाएगा 1, एंड 4 से 3 जाएगा हो जाएगा 1। 112 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट ज्यादा है जो सर्कुलर बेस है उसकी कैपेसिटी स्क्वायर बेस के पैकेट की कैपेसिटी के कंपैरिजन में। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का, आगे की क्लासेस में आपको अगले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले क्लास में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।